दोस्तों मैं हूं दीपेश और आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के 2021 में होने वाले इंटरमीडिएट के परीक्षा की डमी एडमिट कार्ड के बारे में। ये दोस्तों जैसा कि पता है आपको कि अभी के दो तीन साल से चल रहा है कि सभी जो भी एग्जाम्स है उसके डमी एडमिट कार्ड पहले आते हैं, रजिस्ट्रेशन कार्ड जो होते हैं उससे पहले उसका डमी आता है। तो उसी डमी एडमिट कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट 2021 में यानी कि नेक्स्ट ईयर जो अब जो आ रहा है 2021 में बिहार बोर्ड का मेन यानी कि जो बोर्ड का एग्जामिनेशन होना है उसमें भाग लेंगे, उसका डमी एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। दोस्तों आज उसी के बारे में ये हमारा ये कंप्लीट वीडियो है। चलिए हम लेट ना करते हुए अभी अभी जो है इसका वेबसाइट के ऊपर है जो इसका लिंक है जहां से कि आपको निकालना है, मैं अभी उसी के ऊपर सीधे आया हूं ताकि आपको हम बहुत घुमा फिरा कर बहुत लेट से इन्फॉर्मेशन ना दे, बहुत वीडियो डिलीट ना करें। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए वेबसाइट है। इस चीज को मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल चुका हूं, वहां से आप चाहे तो क्लिक करके या फिर कॉपी करके सीधे इसकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। वहां से आपको किसी तरह का पेज आपको मिलेगा, इसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स आपको भरनी है और जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करते हैं आपको कंप्लीट आपको आपका डमी एडमिट कार्ड मिल जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डमी एडमिट कार्ड क्यों आता है। डमी एडमिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कि आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड के जैसा ही दिखता है और दो तीन चीजों को छोड़ने के अलावा जैसे कि एग्जामिनेशन सेंटर या फिर रोल नंबर और कंप्लीट आपका जो सब्जेक्ट है, इन चीजों को छोड़ने के अलावा आपको सब कुछ उसमें आपका ओरिजिनल और सेम टू सेम आपका भरा रहता है, जो कि आपका पर्सनल डिटेल्स होता है जो कि आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड में आता है। तो यह जारी इसलिए की जाती है ताकि आपको यदि एडमिट कार्ड आपका ओरिजिनल आएगा और उसमें यदि आपको कुछ ना कुछ त्रुटि रहती है, कुछ ना कुछ फॉल्ट रहता है, गलती रहता है, तो आपको उस समय आप परेशान होती है कि हमारा डेट ऑफ बर्थ गलती है, नाम गलती है, पापा का नाम गलती है या कैटेगरीज गलती है या बहुत जो भी चीज़ें हैं उसमें डाटा है वह गलती लिखा हुआ है। उस समय में आप कॉलेज दौड़ते हैं या फिर बोर्ड का चक्कर लगाते हैं, आपको करेक्शन करवाने में बहुत परेशानी हो जाती है। तो उसी सब के कारण से आपको एक डमी एडमिट कार्ड की व्यवस्था की गई है बोर्ड के द्वारा, ताकि उसमें आप जो भी चीज़ें लिखा हुआ डाटा है, जो भी आपका पर्सनल डिटेल्स है, उन चीज़ों को आप देखिए। यदि आपका सही सही भरा हुआ है तो कोई दिक्कत आपके लिए नहीं है, आपका वही डिटेल्स आपका ओरिजिनल में भी बन के आ जाएगा, प्रिंट होकर आ जाएगा। यदि आपका दिक्कतें हैं कुछ भी, यदि आपका नाम में करेक्शन करना है, पापा मम्मी का नाम में, कैटेगरी में, डेट ऑफ बर्थ में या कुछ भी और भी चीज़ें यदि गलती रहती है, तो उसके लिए आप अपने कॉलेज और अपने जो स्कूल है जहाँ से कि आपने ट्वेल्थ कर रखा है किया है उसमें आपको जाना रहता है और आपको वहाँ से उन चीज़ों को करेक्शन कराना पड़ता है। आप जाते हैं बोर्ड के ऊपर, स्कूल के ऊपर, कॉलेज में जाते हैं स्टाफ को या वहाँ के जो ऑफिशियल जो आपके सीनियर्स जो शिक्षक होते हैं उनको आप कंप्लेन करते हैं कि सर हमारा यहाँ पे गड़बड़ी है, इन चीज़ों का सुधार किया जाए, एक अप्लीकेशन देते हैं, वो लोग आपका क्वेरी को सुनते हैं और उसके ऊपर जो टेक्निकल टीम को वह आपका भेज देते हैं ताकि आपका वह करेक्शन हो जाए। चलिए मैं आपको बता दूं कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है, आपको क्या सब डालना होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको डालना होता है आपका कॉलेज, जो आपका कॉलेज है, जो आपका स्कूल है जहाँ से कि आप कर रहे हैं ट्वेल्थ पढ़ाई कर रहे हैं उसका यहाँ पे नाम डालिए। फैकल्टी यानी कि यदि आपका आर्ट्स है तो आर्ट्स डालिए, यदि आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स डालिए, यदि आपका साइंस है तो साइंस डालिए। उसके बाद यहाँ पर है एग्जाम कैटेगरी, कंपार्टमेंटल है कि रेगुलर है कि आपका एक्सपीरियंस है, जैसे कि एक होता है कि पिछले साल का बच्चा है वह इस बार दे रहा है तो उसको इम्प्रूवमेंट बोलते हैं, क्वालिफाइंग है ये, फिर रेगुलर है, आपको रेगुलर पे चुनना है। यदि पिछले वर्ष के हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट पे चुनना रहता है, यदि आपका इस वर्ष का है रेगुलर है आप तो रेगुलर चुनिए। उसके अलावा यदि कंपार्टमेंटल की बात आती तो अभी कंपार्टमेंटल की बात नहीं है तो उसका डमी नहीं निकलता है, उसका ऑप्शन है तो वह काम के लिए नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान देना है यदि आपका करंट सेशन है, एक ओवर फेल नहीं किए तो आपका रेगुलर, यदि एक बार आप फेल कर चुके हैं तो वो उसका आपको इम्प्रूवमेंट में आपको जाना है। स्टूडेंट का नाम कंप्लीट, जो आपका नाम है, जो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड में सेम टू सेम वहाँ नाम लिखिए, जैसा वहाँ लिखा हुआ वैसा ही आपको लिखना है। फिर पापा का नाम सेम टू सेम जो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड में लिखा हुआ है और डेट ऑफ बर्थ जो कि आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड में जैसे ही है वह यहाँ पर लिख दीजिए और आपको यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ व्यू क्लिक करने के बाद आपको निकल जाता है, जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करते हैं आपका एडमिट कार्ड डमी के रूप में सामने आता है, उसका डाउनलोड करके आप उसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के बाद जो है उसको आप कंप्लीट नॉलेज को आप पढ़ लीजिए, जो भी आपका पर्सनल डाटा जल्दी गलती है तो उसी का जीरोक्स लेकर के आप जाइए स्कूल कॉलेज में अपना जमा कर दीजिए और कंप्लेन कर दीजिए, आपका करेक्शन हो जाता है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। आशा करता हूं दोस्तों कि आपका यह वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ आपके लिए, यदि हुआ है तो अपने दोस्तों के साथ भी साथ शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, फेसबुक फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।